हेलो दोस्तों, मैं साइलेंस सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PBR स्टडी पर। आज जो आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, आज आपको हिंदी में समास पढ़ाया जाएगा। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास को आप कैसे पहचानेंगे, सारा कुछ आज आपको बताया जाएगा। आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, वीडियोस को पूरा देखेंगे, तभी जा कर के आप कुछ सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्या होता है कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पर समास का अगर बात की जाए, समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के मूल अर्थ में यदि हम जाएं तो समास का जो मूल अर्थ होता है, समास का मूल अर्थ कहलाता है संक्षेप, संक्षेप करना, अर्थात किसी भी शब्द का संक्षेपीकरण करना समास कहलाता है। ठीक है, किसी भी शब्द को संक्षेप में व्यक्त करना, लिखना, वो समास कहलाता है। ठीक है, समास में कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, एक पहला होता है प्रथम पद, दूसरा होता है उत्तर पद। समास बनता किससे है, समास समस्त पद या सामासिक पद को ही समास कहते हैं, समस्त पद या सामासिक शब्द को ही समास कहते हैं। अगर समास की परिभाषा को देखा जाए, समास की परिभाषा क्या होती है, समास की परिभाषा को यदि अगर देखा जाए तो समास की परिभाषा का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगर समास की परिभाषा देखी जाए तो यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो समास के परिभाषा को देखते हैं। समास का अर्थ दोस्तों संक्षेप होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास की परिभाषा में यदि अगर चला जाए तो समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का मतलब बात का पद जो होता है, उत्तर पद कहलाता है। समास के नियमों से बना समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा समास के नियमों से बना पद समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, हम कहते हैं ना समास विग्रह कहते हैं, तो समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह दिया जाए राजपुत्र, राजपुत्र दोस्तों इसमें दो पद हैं, राजपुत्र में दो पद हैं, पहला पद राज हो गया और दूसरा पद पुत्र हो गया, पहला पद राज हो गया और दूसरा पद पुत्र हो गया। जब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सभी पदों को अलग अलग किए जाने, इसमें दो पद हैं, राज पहला पद हो गया, पुत्र दूसरा पद हो गया। दोनों पदों को जब हम अलग अलग करेंगे, दोनों पदों को जब हम अलग अलग करेंगे यहाँ पर देखिएगा, तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, राजपुत्र का एक क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, राजपुत्र राजा का पुत्र। दूसरा देखते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए चौराहा, चौराहा तो चौराहा में दोस्तों इसमें देखिए दो पद हैं, पहला है आपका चौ, दूसरा है राह, दो पद हैं। अब इसको हम जब अलग अलग करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। इसमें दोस्तों दो पद थे, पहला पद चौ हो गया, दूसरा पद राहा हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जब पहले और दूसरे को दोनों को अलग अलग किया जाता है,
पहले पद और दूसरे पद को जब अलग अलग किया जाता है तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, जब किसी पद को तोड़ते हैं। अब यहाँ पर राजपुत्र को भी तोड़ा गया, चौराहा को भी तोड़ा गया, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि समास में कुछ ऐसे कुछ कंडीशनें आ जाती हैं कि जिसमें कुछ विकार आ जाता है, कुछ विकार आ जाता है। अब विकार होने का मतलब क्या हो दोस्तों, विकार होने पर देखिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि घोड़े पर सवार, ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कह दिया जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि समास में कुछ पदों में विकार आ जाता है, तो जो विकार आ रहा है उन विकारों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार का जब हम इसको करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, घुड़सवार। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर घोड़े पर सवार का क्या निकला, घुड़सवार। अब यहाँ पर देखिएगा, घोड़े का घो, अब यहाँ पर देखिए घो किस में बदल गया, घू में बदल गया ना दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो गया। चिन्ह परिवर्तित होने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर घोड़े का घो किस में बदल गया, घू में बदल गया। तो यहाँ पर जो ये विकार आया, ओ की मात्रा में विकार आया, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, समास विकार कहते हैं। इसे हम किस नाम पे जानते हैं दोस्तों, समास विकार के नाम पे जाते हैं। यानी कि ऐसे कुछ पद होते हैं जिनमें समास में विकार आ जाते हैं, पदों में विकार आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समास विकार के नाम पर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इतने यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक एक पद को अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है। आई होप कि आप यहाँ से जो है, यहाँ तक जितना भी आपको समाज के विषय में बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे कि समाज क्या होते हैं, समाज की परिभाषाएं क्या होती हैं, समाज का अर्थ क्या होता है। तो समाज का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप, ठीक है, संक्षेप होता है। और ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समास के भेद, समास के अंग, समास के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये समाज के भेद होते हैं, समाज के अंग होते हैं, इनसे मिलकर के समाज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, किससे, अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बहुव्रीही समास। तो इस प्रकार से समासों से मिलकर के क्या होता है दोस्तों, इन प्रकार से समास का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो आपके समास कहलाते हैं, जो समास आपके बने हुए हैं, इनके भेद होते हैं, इनके भेदों का हम वर्णन करते हैं, इनके भेदों का हम अध्ययन आगे करते हैं। दोस्तों समास के अंग मैंने भी आपको बताया कि समास के अंग 6 होते हैं, समास के अंग मुख्यतः 6 होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये समास के 6 भेद होते हैं, इनसे मिलकर के समास का निर्माण होता है, समास बनते हैं इन। तो दोस्तों ये 6 आपके जो होते हैं समास के अंग, इनसे मिलकर के समास का निर्माण होता है, पूर्णतया इनसे समास बनता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, एडवर्बल, डिटरमिनेटिव, अपोजिशनल, न्यूमेरल, कैपुलेटिव, एट्रीब्यूटिव, इनसे मिलकर के दोस्तों समास का निर्माण होता है, समास के 6 अंग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं दोस्तों, चाहे अव्ययी भाव की बात कर ली जाए, चाहे तत्पुरुष की, चाहे कर्मधारय की, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, चाहे जिसकी बात कर ली जाए दोस्तों, याद रखिएगा सब में 2 ही पद होंगे, सब में 2 ही पद होंगे, किसी में पहला पद प्रधान होगा तो किसी में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है दोस्तों,
यार इतना याद रखिएगा, किसी में पहला पद प्रधान होता है और किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अगर बात कर ली जाए अव्ययी भाव समास की, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। किसका? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये तो बात हो गई प्रधान की, पहला पद प्रधान हो गया। उसके बाद इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता क्या होती है? पहला पद प्रधान होता है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसकी बात कर ली जाए दोस्तों अव्ययी भाव समास की, तो छोटा होता है, पहला पद छोटा होता है। पहला पद छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात हो गई। आपको मैं पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे आप बिना रटे हुए आप शब्दों को देख करके बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास है, किस समास का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद छोट दूसरी विशेषता कि पहला पद छोटा होता है, दूसरा पद छोटा होता है दोस्तों। तीसरी सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता इसकी क्या है? तीसरी सबसे ज्यादा इसकी मुख्य विशेषता अव्ययी भाव की, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद उपसर्ग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपकी ए आप पहला पद प्रधान होता है आप इसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, पहला पद छोटा होता है आप इसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपको तीसरी बात बताई जा रही है कि पहला पद उपसर्ग होता है, तो पहला पद जो उपसर्ग होता है, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उसको देखा जाए। जैसे आप लिख सकते हो आ, अनु, प्रा, आ अनुप्रा, प्रति, आ अनुप्रा, प्रति आदि जो होते हैं दोस्तों, ये उपसर्ग होते हैं। मतलब ये शब्द के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे मिलकर के ही शब्द का निर्माण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अगर उस शब्द से इस उपसर्ग को हटा लिया जाए तो उसका जो अर्थ होता है निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मूल अर्थ नहीं निकलता है। तो याद रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब होता है दोस्तों मुखिया, और मुखिया का मतलब होता है कि जब मुखिया नहीं रहता है, मुखिया नहीं रहता है तो वह मुखिया के न रहने पर सब बेकार रहते हैं, सब अपने मन की करते हैं, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इन उपसर्गों को यदि शब्दों से हटा लिया जाता है तो उसका अर्थ निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। जैसे अगर बात दोस्तों कर ली जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर ली जाए, तो याद पहले एग्जाम्पल के तौर पर याद आप लिख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं प्रतिदिन। अब यहाँ पर प्रतिदिन में देखिए, प्रतिदिन में देखिए पहला पद क्या लगा? उपसर्ग लगा, पहला पद प्रधान है, प्रतिदिन। अगर इस प्रतिदिन से, अगर इस प्रति प्रतिदिन का अर्थ क्या निकला? प्रतिदिन का अर्थ क्या निकला दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो इसका अर्थ क्या निकला? रोजाना, रोज, जिसको आप कहते हो डेली, डे बाय डे, ठीक है। प्रतिदिन का मतलब क्या निकला? रोजाना, डेली, डे बाय डे, हर रोज, कुछ भी आप कह सकते हो। अब इसी में से प्रति को हटा लिया जाए, अब इसमें से प्रति को हटा लिया जाए, प्रति को हटा लेने पर अब आप बताइएगा कि इसमें से अब इस दिन का कोई अर्थ निकला? इस दिन का कोई अर्थ निकला? इस दिन का कोई अर्थ निकला? अब दिन में आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा दिन है, संडे का है कि मंडे का है कि ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, थर्सडे का है, फ्राइडे का है, सैटरडे का है, किस कौन सा डे है आपको पता नहीं चल पा रहा है, आज वाला कि कल वाला, कौन सा दिन है, कोई कुछ आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो वे यहाँ पर अब इस प्रतिदिन से प्रति हटा लेने पर इस दिन का कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे दूसरा शब्द देखा जाए दोस्तों अभिमान, दूसरा शब्द देखा जाए अभिमान। जैसे कहते हैं ना, बाप कहता है बेटे से, बेटा मुझे तुम पर अभिमान है, गर्व है, नाज है, ठीक है। तो अब इसमें से देखिएगा दोस्तों, दो पद है, पहला पद अभी, दूसरा पद मान। अब इस मान से, इसमें से इसको अभी को हटा लिया जाए तो मान का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अव्ययी भाव समास में
कि याद रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा जो विशेषता मैंने आपको बताई, पहला पद छोटा होता है, और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता कि पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे तीसरा शब्द और देख लिया जाए, उपसर्ग में कौन कौन से आ गए? आ, अनु, प्रा, प्रति, ये सारे उपसर्ग हैं। तीसरा शब्द अगर देखा जाए, जैसे अधिकार, अधिकार। अब अधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि मुझे तुम पर अधिकार है। ठीक है, तब इसमें से अधिकार में से यदि आ को हटा लिया जाए, ठीक है, आ को हटा लिया जाए तो अधिकार का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये आपका अव्ययी भाव समास। आई होप कि आप अव्ययी भाव समास को समझ गए होंगे, और इतना बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समझाने की कोशिश किया होगा। शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक पद मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको बताया है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इसे अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखिए तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कारक चिन्ह कितने होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने में, अधिकरण में पय पर, न अधिकरण में पय पर, संबोधन संबंध का के कि नाने नी, और संबोधन हे ओ अरे, इस इतने कारक चिन्ह होते हैं। अब इन कारक तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, अगर प्रधानता के पद पर देखा जाए, अगर प्रधानता के पद पर देखा जाए दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब क्या दोस्तों, कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद जब प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में पहली बात आप लिख सकते हैं, कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, लोप होता है। दूसरी विशेषता आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता लिख सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है और उत्तर पद प्रधान हो जा रहा है। तो उत्तर पद प्रधान कैसे हो जा रहा है दोस्तों, अब ये तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, भेद होते हैं। अब दोस्तों चाहे आप इसमें से यही से बात समझ लीजिए कि इसके 6 भेद होते हैं, चाहे आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, चाहे आप यहाँ से समझ लें कि कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है, चाहे यहाँ से समझ लें कि इसके 6 भेद होते हैं। अर्थात जो कारक चिन्ह होते हैं आप ऐसे लिखते हैं ना, कर्ता ने, इस तरीके से चलता है, संबंध तक चलता है, संबोधन, संबोधन हे ओ अरे तक चलता है, हे ओ अरे। तो इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, कर्ता से लेकर के यानी कि प्रथमा से लेकर के अष्टक तक 8 होते हैं, तो इसमें 6 होते हैं दोस्तों, 6 चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इन 6 चिन्हों का जो लोप हो जा रहा है उसको देखते हैं कि वो चिन्ह 6 चिन्ह का लोप कहाँ से कैसे हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कुछ आपको अभी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, और एग्जाम्पल के बताने के बाद मैं आपको सीरियल वाइज से बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल इस तरीके से बता सकता हूं, जैसे आप कह सकते हैं राजपुत्र, राजपुत्र।
अब देखिए दोस्तों, राजपुत्र में से जब इसको हम विग्रह करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर देखिए, राजा का पुत्र आया तो यहाँ पर का चिन्ह आ गया। राजपुत्र का जब विग्रह किया, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद जब दोनों का हमने विग्रह किया, तो दोनों का विग्रह करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें से का चिन्ह जो है लोप हो गया। राजा का पुत्र, अब इसमें का कारक चिन्ह आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो विश्व इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है कारक चिन्ह आ गया। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप यूँ समझ सकते हैं कि धनहीन। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं धनहीन। अब जब इसका एग्जाम्पल कर जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका विग्रह करेंगे, धनहीन का जब विग्रह करेंगे, तो दोस्तों क्या निकलेगा, धन से हीन, यानी कि धन से हीन, उसके पास धन नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो पैसे के मामले में गरीब है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, से कारक चिन्ह आ गया, से आया, यहाँ पर का, यहाँ पर से, तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जब इनका इन विग्रह को हम समस्त पद में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सामासिक शब्द में बनाएंगे। ए आपका क्या हो गया दोस्तों, ए आपका सामासिक शब्द हो गया। ए आपका क्या हो गया दोस्तों, ए आपका समस्त पद हो गया, यानी कि समस्त पद का मैंने क्या किया, विग्रह किया, तो सामासिक इस तरीके से पद आपका बन गया। तो उसमें एक कारक चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। दूसरी विशेषता मैंने आपको क्या बताई कि उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिएगा, उत्तर पद की प्रधानता, अगर इसमें से पुत्र को हटा दिया जाए तो अब क्या निकलेगा, राजा का क्या कुछ अर्थ निकला, राजा की प्रजा, राजा की महारानी, राजा का राजपाट, राजा के हाथी घोड़े, क्या निकला? कुछ नहीं निकला ना। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हुआ। अब इसमें देखिए धनहीन, अब यहाँ पर हीन को हटा दिया जाए, तो हीन को हटा देने पर अब धन से क्या, धन से अमीर कि धन से गरीब, क्या कुछ अमीर गरीब का पता चल पा रहा है, उसका कोई हमें मूल अर्थ नहीं पता चल पा रहा है कि वो धन से क्या है, अमीर है कि गरीब है। वैसे इसमें राजपुत्र में समझ में नहीं आ रहा है कि राजा का क्या, राजा का पुत्र या राजा की पुत्री या राजा की महारानी या राजा के नौकर चाकर, राजा के राजपाट, राजा का महल, क्या कुछ पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर दूसरे पद को हटा लिया जाए तो दूसरे पद को हटा लेने पर तत्पुरुष समास का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास, अब आपको देखते हैं सीरियल वाइज चलते हैं क्रमांक। हाँ दोस्तों, मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैंने एक एक आपको बताने हैं, आपको एक एक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखिएगा, पहला कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, को कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए दोस्तों, तत्पुरुष में आपको क्या बताया था, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कारक चिन्ह का लोप देखिए, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को कारक चिन्ह आया। तो अब इस जब इसको बनाएंगे सामासिक शब्द में तो क्या बनेगा दोस्तों, गगन चुंबी से को कारक चिन्ह लोप हो गया। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, यश प्राप्त, इसमें से को कारक चिन्ह हट गया, यश प्राप्त आ गया। दूसरी विशेषता देखते हैं दोस्तों, दूसरी विशेषता क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे गगन को चूमने वाले में से चूमने वाले को हटा लें तो बचेगा गगन को। अब गगन को क्या, कुछ अर्थ निकला, जैसे यहाँ पर चूमने वाले को हटा लिया जाए तो इसमें से कुछ अर्थ निकला कि क्या है, कुछ नहीं निकला ना। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों,
गगनचुंबी उत्तर पथ प्रधान, यश को प्राप्त। अब इसमें से प्राप्त शब्द को हटा लें तो प्राप्त शब्द को हटा लेने पर यश प्राप्त से प्राप्त शब्द को हटा लेने पर यश को क्या, यश को क्या कुछ निकला, यश को प्राप्त है कि नहीं प्राप्त, क्या कैसे कुछ नहीं निकल रहा ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। सेकंड देखते हैं दोस्तों करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष को क्या बोलते हैं दोस्तों तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें दो चीज़ पूछी जाती है। पहला तो पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगर इस तरीके से पूछ दिया कि तत्पुरुष समास की कर्मधारय समास की द्वंद्व समास की द्विगु समास, तो आप सीधे बताएंगे तत्पुरुष समास। लेकिन कभी कभी दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में परेशान करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया करुणा से पूर्ण, तो एग्जाम्पल देगा करुणा से पूर्ण, ऑप्शन देगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा तत्पुरुष है, तो अगर इस तरीके से देख देगा दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक एक बताने हैं, हम आपको एक एक बता रहे हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का मतलब होता है दोस्तों तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है दोस्तों से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है यानी कि हट जाता है, भाग जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण में करुणा पूर्ण आ गया, धन से हीन में धनहीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों से कारक चिन्ह का लोप हो गया, हट गया। दूसरा पद देखते हैं उत्तर पद प्रधान होता है, अब यहाँ से करुणा से पूर्ण को हटा लेते हैं, पूर्ण को हटा लेते हैं तो यहाँ पर करुणा से क्या निकलेगा, पूर्ण की अपूर्ण कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है उत्तर पद प्रधान है। इसमें देखते हैं दोस्तों धन से हीन में, मैंने भी आपको बताया था हीन शब्द को हटा लेंगे तो धन से क्या, अमीर की गरीब क्या कुछ नहीं पता चल पा रहा है, तो इसमें आपका उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में, संप्रदान तत्पुरुष का मतलब चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का मतलब चतुर्थी तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है दोस्तों के लिए कारक चिन्ह लोप हो जाता है, के लिए कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, हम लोग क्या कहते हैं प्रयोगशाला कहते हैं ना, तो प्रयोगशाला का मतलब प्रयोग के लिए शाला। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों के लिए कारक चिन्ह हट गया, मिट गया, के कारक चिन्ह हट गया तो क्या बना दोस्तों प्रयोगशाला बना। स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, अब इसमें से के लिए कारक चिन्ह हट जाएगा दोस्तों तो क्या बनेगा स्नान घर बनेगा, ठीक है। अब इसमें से साला शब्द को हटा दें तो प्रयोग के लिए क्या कुछ, अगर इसमें से साला शब्द को हटा दें तो प्रयोग के लिए क्या कुछ निकला, नहीं निकला। इसमें से लिए, इसमें से घर हटा दें तो कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। स्नान के लिए क्या निकल रहा है, कुछ नहीं निकला ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ये आपके इसमें सब में से कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह, करण तत्पुरुष से कारक चिन्ह और संप्रदान तत्पुरुष से के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। इस तरीके के आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका विग्रह करके देख सकते हैं कि उसमें कौन सा तत्व है। जैसे अगर कह दिया जाए करुणा, करुणा पूर्ण में, ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे देगा, विग्रह करके दे देगा, तो विग्रह करके देने पर आप बहुत इजी से समझा सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप वहां पर गलत करके आ सकते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, और जैसे ही आपका समास चैप्टर पूरा होता है, जैसे ही समास पूरा हो जाता है, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको कैसी लगी, आप कितना इसको समझ में आपको आया, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों जितना आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे उतने ही नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आपके सामने आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के तीन भेद मैंने आपको पढ़ाया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखते हैं दोस्तों अपादान तत्पुरुष क्या होता है। हाँ दोस्तों देखिएगा, इसके पहले मैंने अभी आपको तीन समास पढ़ाए थे, तत्पुरुष समास के तीन भेद पढ़ाए थे। चौथा तत्पुरुष समास का आपका अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष आता है, और अपादान तत्पुरुष का मतलब होता है पंचमी तत्पुरुष,
पंचमी तत्पुरुष में से अलग होने में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, से अलग होने में कारक चिन्ह का लोप होता है, जहाँ से कोई अलग होता है। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना, यानी कि रास्ता भूल जाना, रास्ता भूल जाना। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है रास्ता भूल जाना, भटक जाना। तो जब आप रास्ता भूल जाते हो, भटक जाते हो, तो कैसे भूलते हो, कैसे भटकते हो? जब आप एक रास्ते पर चल रहे होते हो, उस रास्ते से छोड़ करके आप किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हो, तो एक रास्ता आपसे अलग हुआ ना, तो एक रास्ता जब आपसे अलग हुआ तो यहाँ पर आपको क्या कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे, अपादान तत्पुरुष कहलाएंगे। पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है दोस्तों हटा जाना, हटा दिया जाना। पद से च्युत का मतलब पदाच्युत, मतलब पद से हटा दिया जाना, यानी कि जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे ही आपका डिमोशन होता है, तो उसमें से आपकी कुर्सी आपसे छीन ली जाती है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो सब आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, तो आप पदच्युत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कुर्सी हट जाती है, तो यहाँ पर आप अलग हो रहे हैं, तो अलग होने पर आपका क्या हुआ, क्या होगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष होगा। अब इसमें से देखिएगा, भ्रष्ट से अगर पथ से भ्रष्ट से अगर उत्तर पद भ्रष्ट को हटा लिया जाए, तो आपको कुछ पता चल पा रहा है कि पथ से क्या नहीं पता चल पा रहा है? च्युत में से हटा दिया जाए, पद से च्युत में से च्युत शब्द को हटा दिया जाए, तो आपको कुछ पता चल पा रहा है कि क्या पद से हटा दिया गया कि पद को बढ़ा दिया गया? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का मतलब खष्टी तत्पुरुष, खष्टी तत्पुरुष। खष्टी तत्पुरुष में देखिएगा दोस्तों, का के की, यानी कि कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें संबंध निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? संबंध निकलता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र से संबंध निकला, राजा का पुत्र से संबंध निकला, तो क्या बना? राजपुत्र बना। इसमें से का कारक चिन्ह हटा दिया जाएगा तो कुछ आपको पता चलेगा कि राजा का क्या, पुत्र की, पुत्री की, महिला की, राजा का क्या, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, तो इसमें पर क्या निकलेगा दोस्तों? संबंध तत्पुरुष निकलेगा। पर के अधीन, पर मतलब होता है दोस्तों दूसरे के अधीन। अभी आप दूसरे के अधीन हो तो यहाँ पर क्या होगा? पराधीन होगा, ठीक है। काके की, नानेनी, पापेपी, तो इसमें से जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं कर, पर के अधीन। इसमें के शब्द आया, पराधीन, ठीक है। जैसे एक रामचरितमानस पाठ में चौपाई आई है कि पराधीन सपने सुख नाही, तो इसमें दोस्तों पर के अधीन, यानी कि आप दूसरों के अधीन रह करके अपने सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप जिसके अधीन रहेंगे आप उसके अनुसार चलेंगे, उसके बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। तो यहाँ पर पराधीन मतलब पर के अधीन। इसमें से अधीन शब्द को हटा दिया जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि पर के अधीन है कि नहीं है। इसमें से पुत्र से हटा दिया जाए तो कुछ, तो दोस्तों यहाँ पर है आपका संबंध तत्पुरुष निकला। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का मतलब सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ब्रेकेट में वो भी लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अधिकरण तत्पुरुष का मतलब दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष। इसमें का कौन सा चिन्ह होता है? मैं पय पर, मैं पय पर कारक चिन्ह होता है, मैं पर पय पर का कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे शोक में मग्न, शोक में मग्न, क्या हुआ दोस्तों? शोक मग्न, ठीक है। अब इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया? मैं आया। पुरुषों में उत्तम, में कारक चिन्ह आया, में हट गया।